इटावा जनपद के बकेवर क्षेत्र के ग्राम मतरामपुर में स्वच्छता मिशन की खुली पोल, कई बरसों से मेन गली बनी नरक। लगातार ग्राम प्रधान को शिकायत करने के बावजूद भी नहीं हो रही कोई सुनवाई। लोग मेन गली में कीचड़ होने के कारण निकलने पर मजबूर हैं। गांव में मेन गली में लगभग आधा दर्जन लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन आज भी लोग नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। गांव के लोगों ने लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से लिखित सूचना की, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। गांव में गंदा पानी भरने से गांव के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में पानी भरने के कारण कच्चे मकान गिर गए, कई महीनों में दरारें आ गई मकान में। गांव के लोगों का कहना है गली साफ कर जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, जिससे निकलने वालों को समस्याओं से निजात मिल सके। लड़का बच्चन में परेशानी है, ये लैटरिन को पानी बहता, सब कुछ होता है, कैसे हमें करें? दरवाजे पानी आता है, दिखाइए क्या है, सीधा बोलिए कैसे पानी होता है। सबसे ज्यादा दिक्कत में रहते भैया हम लोग, द्वारे सामने के पूजा पाठ नहीं कर पा रहे। वो महबूब गए दो तीन दिन, महबूब सुनाई नहीं भाई, दो तीन दिन बर्तनों गए सब में भाई, प्रधानों से कहा प्रधानों ने सुनाई कर नहीं। महिला तो महिला तो ये बोल दिया जाता कि सफाई हो गई है, पैसा निकाला नहीं जाता है। पूजा पाठ करने वाले बताओ, पूजा करके आए जामे खुले हैं गंदे के में। पंडित लोग अच्छी को जिन सब लोग परेशानी में गाड़ी है, गाड़ी सब गाड़ी में निकल जाते हम लोग का रोज गाड़ी, थोड़ा बच्चा ले लेंगे। हम मतरामपुर के रहने वाले, हमारे आगे और पीछे मेरा कच्चा मकान था वो गिर पड़ा है, अब वो दीवार भी गिरने वाली है। और अगर मेरे यहाँ कोई हादसा होता है, इसका जिम्मेदार केवल सरकार होगी और प्रधान होगा। और देखो उस दिन हम गिर पड़े हैं, मेरा हाथ टूट गया, तीन दिन बाद मेरा हाथ, तीन दिन हाथ चढ़वाए और आठ दिन हो गए हम परेशान है। हमारे घर में कोई नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और गिरते रहते हैं। अगर कुछ हो जाता है उसकी जिम्मेदार कौन होगा? मेरा कच्चा मकान गिरा, एप्लीकेशन दी मैंने महिवा में, कोई सुनवाई नहीं हुई है। तहसील में दी है, हर जगह दी है, हमें तो ज्यादा परेशानी। मेरा एक ही कमरा था वो भी मेरा गिर पड़ा है। प्रधान क्या बोलते हैं? प्रधान क्या देख के चले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आम रास्ता है और मेन रास्ता है गाँव की, और चक्कर काट के आना पड़ता है बहुत ज्यादा। आज कम से कम हो गई इसे 3 साल है, यही दशा है इसकी। जब बोलते हैं किसी से, दो आदमी भेज देते हैं, थोड़ी बहुत पानी निकल गया, नहीं होती फिर खत्म, सफाई नहीं होती। यही चल रहा है 3 साल से।